कांग्रेस पार्टी के मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेरा ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और उसकी जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। खेरा ने कहा, एक चीनी नागरिक महज 9 दिन में 1200 भारतीयों के 1400 करोड़ रुपए लूट लेता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ऐसे में ईडी और सीबीआई कहाँ है। ये जांच एजेंसी विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ पर आए दिन छापा मारती रहती है। चीनी घोटालेबाजों की तरफ से इन एजेंसियों का ध्यान ही नहीं है, जो भारतीयों को लूटते हैं और देश से भाग जाते हैं। पवन खेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार भारत जोड़ो की बात करते हैं, हालांकि वे पहले भी चीन को लाल आंख दिखाने से चूक गए। अब एक चीनी नागरिक केवल 9 दिनों में 1200 भारतीयों के 1400 करोड़ रुपए लूट लेता है। अगर कुल नुकसान की बात करें तो वह आंकड़ा 4600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। खेरा का आरोप है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चीनी घोटालेबाज उनकी नज़र में नहीं आ रहे। वे भारतीयों को लूटते हैं और देश से भाग जाते हैं। पहले विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अब चीनी नागरिक के भागने से ये साबित होता है कि मोदी सरकार एक ट्रैवल एजेंसी है। खेड़ा ने कहा, यह सरकार धोखाधड़ी, लूट और विदेशी तटों पर उड़ान की सुविधा देती है। आपको बता दें कि गुजरात में 1400 करोड़ रुपए की भारी ठगी कर एक चीनी व्यक्ति देश से भाग गया, लेकिन पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उसे रोक ना सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी पता चलता है कि इस पूरे डायना डाटा ऐप घोटाले ने लोगों को 4600 करोड़ रुपए तक का भारी चूना लगाया। इतना ही नहीं, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इस ऐप का प्रचार प्रसार किया। एक फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप जिसे आम लोगों का विश्वास हासिल हुआ। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें उपलब्ध हैं जिनमें यूपी पुलिस दानी डेटा ऐप प्रायोजित लव डोनेशन बैनर के साथ पोज देती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने गुजरात की सीआईडी का हवाला देते हुए कहा कि चीन के शेंझेन क्षेत्र का कथित निवासी युआने फुटबॉल खेलों में गहरी रुचि रखने वाले 15 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निशाना बनाकर प्रतिदिन औसतन 200 करोड़ रुपए हड़पने में कामयाब रहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।